हाय एवरीवन, हमारे लॉ में कुछ टर्म्स ना इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि ये टर्म्स में डिफरेंस क्या है। जैसे कि वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वॉइड और वॉइडेबल लगभग सभी को कंफ्यूज करता है कि वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही क्लियर है कि हमें पता है जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड सही टर्म्स एंड कंडीशंस में बने हैं, जिसमें कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, बिल्कुल फ्री कॉन्सेंट से लिया गया या बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी बिल्कुल सही है, पार्टीज भी मेजर हैं, सब कुछ गुड है। ठीक है, तो ये होता है एक वैलिड। अब वॉइड क्या होता है और वॉइडेबल क्या होता है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको पता होगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल इलीगल हैं, जिनका कोई है ही नहीं, सिर पैर ही नहीं है। दूसरा है वॉइड एंड वॉइडेबल। वॉइड क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है ऐसे एग्रीमेंट्स या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो शुरू से ही गलत है, जिनका जो बेस था वही गलत है, जो बने ही गलत टर्म्स में है। जैसे अगर मैं एक माइनर के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, मैंने अपनी साइकिल बेच दी किसी माइनर को, अब मैं उसने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं जाके कोर्ट में उसको सू नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो वॉइड अप इनिशियो था, वो शुरू से ही वॉइड था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो मान्यता है ही नहीं उसकी, तो कोर्ट मुझे कहेगा गलती तो आपकी है, आपको दिख नहीं रहा था, आप छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। 18 साल से ऊपर का बच्चे के साथ अगर आप करते तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, बट ये तो वॉइड है तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका बेस ही आपका गलत हो, ठीक है, जिसका बेस ही आपका रॉन्ग हो, तो उस केस को हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 26 से 30 तक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं हमारे, तो जो अपने रिस्क पे किए जाते हैं, जिनको सू आप नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा होता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बनाए तो गए थे जायज, जो बनाए गए थे वैलिड, मगर बाद में पता चला कि वो उन कंडीशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं, या तो वो जोर जबरदस्ती से बनाए गए हैं, या वो मिसरिप्रेजेंटेशन से बनाए गए हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनाए गए हैं, धमका के बनवाए गए हैं, या कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न था, बट वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं जाते। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से वैलिड थे मगर बाद में उसने वॉइड की कंडीशंस फुलफिल किए, उसको हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया जो शुरू से ही गलत था, वॉइड अब इनिशियो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल वैलिड है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 2I में बताया गया है, जो ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू में सही थे, बाद में ये गलत हो गए। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ बट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी डिपेंड्स ऑन द पार्टी वेदर वॉन्ट टू मेक इट वॉइड और वैलिड। अब अगर सामने वाले पार्टी वाला ये कह दे कि नहीं 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 ये तो मेरी बिल्कुल रजामंदी से बना, तो वैलिड है। अगर वो कह दे मेरे को तो इन्फ्लुएंस किया गया है इसको बनाने के लिए, तो वॉइड वॉइडेबल हो गया। तो वॉइड और वॉइडेबल में एक बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको इसको समझना है। थैंक यू।